खेल एवं स्वास्थ्य कक्षा 8 के हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे थे और आज है पाठ 5 जो कि है योग एवं योगासन। प्रश्न 1, योग का क्या अर्थ है? उत्तर, योग शब्द युज से बना है। युज का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। योग के द्वारा कार्य करते समय शरीर व मन में तालमेल बैठता है। योग एक प्रकार का आसन करने का अभ्यास है। योगाभ्यास करने से शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। प्रश्न 2, चक्रासन से होने वाले लाभ बताइए। उत्तर, चक्रासन से निम्नलिखित लाभ होते हैं। 1, यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाकर वृद्धावस्था नहीं आने देता तथा दांतों को सक्रिय बनाता है। 2, शरीर में स्फूर्ति एवं शक्ति बढ़ाता है। 3, यह श्वास रोग, सिर दर्द, नेत्र विकार, सर्वाइकल तथा स्पॉन्डिलाइसिस में विशेष हितकारी है। 4, यह हाथों तथा पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। प्रश्न 3, सर्वांग आसन करने का तरीका बताइए। उत्तर, सर्वांग आसन करने का तरीका, 1, पीठ के बल सीधा लेट जाएं, पैर मिले हुए हों, हाथों को दोनों ओर बगल में सटाकर हथेलियां जमीन की ओर करके रखें। श्वास अंदर भरकर पैरों को धीरे धीरे 30 अंश, फिर 60 अंश और अंत में 90 अंश तक उठाएं। इसके बाद लगभग 120 अंश पर पैर ले जाएं। हाथों को कमर के पीछे लगाएं। कोहनियां भूमि पर टिकी हुई हों और पैरों को मिलाकर सीधा रखें। 3, पुनः पैरों को सीधा रखते हुए पीछे की ओर थोड़ा झुकाएं। दोनों हाथों को कमर से हटाकर भूमि पर सीधा कर दें। अब हथेलियों से भूमि को दबाते हुए जिस क्रम में उठे थे उसी क्रम में धीरे धीरे पहले पीठ और फिर पैरों को भूमि पर सीधा करें। प्रश्न 4, सिंहासन या व्याघ्रासन की स्थिति समझाइए। उत्तर, सिंहासन या व्याघ्रासन करते समय यदि संभव हो तो सूर्य की ओर मुख करके वज्रासन में बैठकर घुटनों को थोड़ा खोलकर रखें। हाथों की अंगुलियां पीछे की ओर करके पैरों के बीच सीधा रखें। श्वास अंदर भरकर जीवा को बाहर निकालें। सामने देखते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए सिंहवत गर्जना कीजिए। यह क्रिया 3-4 बार करनी चाहिए। प्रश्न 5, हलासन करने से क्या क्या लाभ होते हैं? उत्तर, हलासन करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। 1, यह मेरुदंड को लचीला बना देता है तथा कब्ज को दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। 2, इसके अभ्यास से अकड़े हुए कंधे, कोहनी, गठिया एवं पीठ दर्द ठीक हो जाता है। प्रश्न 6, कोणासन करने का तरीका बताइए। उत्तर, कोणासन करने का निम्नलिखित तरीका है। 1, सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को अगल बगल फैलाकर खड़े हो जाएं। तत्पश्चात दाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाते हैं। 2, कमर का हिस्सा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 3, इस आसन को 10 सेकंड तक 4-5 बार कर सकते हैं। प्रश्न 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर का, शीर्षासन आसन मस्तिष्क को सक्रिय करता है तथा स्मरण शक्ति का विकास करता है। खा, पश्चिमोत्तानासन कद की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। सिंहासन टॉन्सिल, थायराइड व अन्य गले संबंधी रोगों में उपयोगी है। घ, पश्चिमोत्तासन आसन कद वृद्धि में विशेष उपयोगी है।